हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल पनेशिया फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। आई एम श्वेता। सो आप सारे लोगों को पता है हम क्या पढ़ रहे हैं, इंग्लिश वोकैबुलरी की कोर्स पढ़ रहे हैं। सो अभी तक जो है हमने 500 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस पढ़ लिया है, जो आपके एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछे गए थे, वही जो है हमने पढ़ लिया है। वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस पढ़ लिया है। एंड आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? 600 सिनोनिम्स, जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे, उसके पार्ट 18 कर रहे हैं। सो अभी तक जो है हमने 17 पास जो है सिनोनिम्स की कर लिए हैं। सो अभी तक आपने नहीं पढ़ा है ये 17 पास, यानी ये 501 वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, तो कोई बात नहीं है। तो जाके आप हमारे डिस्क्रिप्शन चेक करते हैं, तो वहाँ पे जो है आपको वोकैबुलरी का प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। ओके, सो वहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपको सारे के सारे वीडियोज़ जो है दिख जाते हैं। ओके राइट एवरीवन, सो आज का क्लास स्टार्ट करें क्या? सो इससे पहले अगर आप हमारे चैनल में नहीं हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड उसके साइड में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर दीजिए। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। सो यहाँ पे देखो, फर्स्ट वर्ड हमारा कंजर्वेशन आ गया। सो कंजर्वेशन का मतलब क्या हो गया? द एक्शन ऑफ कंजर्विंग समथिंग, यानी प्रोटेक्ट करना उसको। ओके, सो यहाँ पे क्या है? द एक्शन ऑफ कंजर्विंग समथिंग। ओके, सो यहाँ पे कंजर्वेशन का सिनोनिम हो जाता है प्रिजर्वेशन। ओके, सो यहाँ पे चलो देखते हैं हम आगे वाला। सो यहाँ पे ये क्या हो गया? इसका एब्समेल हो गया। राइट, वेरी डीप, एंड इसका सिनोनिम हो जाता है बॉटमलेस। ओके, सो यहाँ पे चलो देखते हैं हम आगे वाला, साइलेंट। सो यहाँ पे इसको तो साइलेंट ही प्रोनाउंस किया जाता है। ओके, सो यहाँ पे मोस्ट नोटिसेबल और इम्पॉर्टेंट। ओके, साइलेंट फीचर्स बोल के हम पढ़ चुके हैं ना बचपन में। सो यहाँ पे मोस्ट नोटिसेबल और इम्पॉर्टेंट होता है। सो यहाँ पे इसका सिनोनिम हो जाता है प्रोमिनेंट। ओके राइट एवरीवन, सारे लोगों को समझ में आ रहा है ना? सो चलो देखते हैं हम आगे वाला। सो यहाँ पे जिकैम्प, जिकैम्प का मतलब क्या हो गया? लीव ए प्लीज सडनली और सीक्रेटली, यानी आप जो है एक प्लेस में रह रहे हो और जो है आपने क्या किया, सडनली जो है किसी को बिना बताए वहाँ से चले गए, यानी सीक्रेटली या सडनली, तो उसको बोला जाता है जिकैम्प। ओके, सो यहाँ पे इसका सिनोनिम क्या हो गया? फ्ली हो गया। ओके, समझ में आ गया ना? सो चलो देखते हैं आगे वाला। सो यहाँ पे फिलैंथ्रोपिस्ट, सो फिलैंथ्रोपिस्ट का मतलब क्या हो गया? पर्सन हु सीक्स टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ अदर्स एस्पेशली बाय द जेनरस डोनेशन ऑफ मनी टू गुड कॉसेस। राइट, समझ में आ गया ना क्या है? अ पर्सन हु सीक्स टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ अदर्स, यानी किसी की वेलफेयर कर के लिए जो है वो सीक कर रहा है। सो एस्पेशली किस लिए? एस्पेशली जो है वो मनी दे के जो है हेल्प करता है गुड कॉज के लिए। ओके, सो यहाँ पे इसका सिनोनिम हो जाता है बेनिफैक्टर। ओके राइट एवरीवन, तो चलो देखते हैं हम आगे वाला। सो यहाँ पे एग्जॉटिक देखो, इसका मतलब क्या हो गया? ओरिजिनेटिंग इन और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिस्टेंट फॉरेन कंट्री। क्या हो गया? एग्जॉटिक का मतलब क्या है? ओरिजिनेटिंग इन और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ डिस्टेंट फॉरेन कंट्री। ओके, सो यहाँ पर इसका सिनोनिम क्या हो गया? स्ट्रेंज हो गया। राइट, स्ट्रेंज हो गया। राइट, सो चलो देखते हैं हम आगे वाला। सो यहाँ पे देखो, इनकैपेसिटेट का मतलब क्या हो गया? प्रिवेंट फ्रॉम फंक्शनिंग इन अ नॉर्मल वे। क्या हो गया इसका मतलब? प्रिवेंट फ्रॉम फंक्शनिंग इन अ नॉर्मल वे। ओके, सो यहाँ पे इसका सिनोनिम हो जाता है क्रिपल। ओके, सो समझ में आ रहा है ना? सारे के सारे नोट डाउन करते हुए चलना। राइट, तो चलो देखते हैं हम आगे वाला। सो यहाँ पे कॉन्ग्रीगेशन का मतलब हो गया अ गैदरिंग और कलेक्शन ऑफ पीपल एनिमल्स और थिंग्स और अ ग्रुप ऑफ पीपल असेंबली फॉर अ रिलीजियस वर्शिप। समझ रहे हो ना? कुछ गैदरिंग हो, एस्पेशली जो है रिलीजियस वर्शिप्स के लिए एक गैदरिंग होती है उसको बोलते हैं, नहीं तो कलेक्शन ऑफ पीपल एनिमल्स और थिंग्स को कॉन्ग्रीगेशन बोल सकते हैं। सो यहाँ पर इसका सिनोनिम हो जाता है मीटिंग। ओके, सो यहाँ पे चलो देखते हैं हम आगे वाला। इंडिजेशन का मतलब क्या हो गया? एंगर और अनोयंस प्रोवोक्ड बाय व्हाट इज प्रिसीव्ड एज अनफेयर ट्रीटमेंट। ओके, सो यहाँ पे क्या है इसका मतलब? एंगर और अनोयंस
provoked by what is perceived as unfair treatment. Okay, so यहाँ पे इसका synonym क्या हो जाता है? Anger. Okay, right everyone, समझ में आ गया ना? So चलो देखते हैं हम आगे वाला. So यहाँ पे acronym, acronym का मतलब क्या हो गया? An abbreviation formed from the initial letters of the other words and pronounced as a word formed by. So यहाँ पे the list of यहाँ पे. So यहाँ पे acronym का मतलब पता ही है ना? Suppose देखो एस इसको देखते हैं डब्ल्यू एच ओ, ये इजीली है, आप सारे लोगों को पता है ना डब्ल्यू एच ओ का फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. सो वर्ल्ड में डब्ल्यू ले लिया, हेल्थ में एच ले लिया, ऑर्गेनाइजेशन में ओ ले लिया. सो ये तीन वर्ड्स में थ्री कैपिटल लेटर्स जो है यहाँ से ले लिया गया है और ये तीन लेटर्स को जो है प्रोनाउंस करे हु. ओके, सो यहाँ पे इसका मतलब है. ओके, सो यहाँ पे इसका सिनोनिम है वर्ड फॉर्म्ड बाय द इनिशियल लेटर्स ऑफ द वर्ड. ओके, सो यहाँ पे समझ में आ रहा है ना ये? तो चलो देखते हैं हम आगे वाला. सो यहाँ पे मेटिकुलस, मेटिकुलस का मतलब शोइंग ग्रेट अटेंशन टू डिटेल और वेरी केयरफुल एंड प्रिसाइज. समझ रहे हो ना? शोइंग ग्रेट अटेंशन टू डिटेल और वेरी केयरफुल एंड प्रिसाइज. ओके, सो यहाँ पे इसका सिनोनिम हो गया केयरफुल. ओके, सो चलो देखते हैं हम आगे वाला. सो आगे वाला कौन सा है? रिसेंट. कैंसिल और रिपील हो गया इसका मतलब. कैंसिल और रिपील, सो यहाँ पे इसका सिनोनिम क्या हो गया? रिवोक हो गया. ओके, रिवोक है. ओके, राइट, समझ में आ रहा है ना? सो चलो देखते हैं हम आगे वाला. एंटीपति, सो इसका मतलब क्या हो गया? ए डीप सीटेड फीलिंग ऑफ अवर्शन और डिसलाइक. क्या है एंटीपति का मतलब? क्या है? अ डीप सीटेड फीलिंग और फीलिंग ऑफ अवर्शन. ओके, सो यहाँ पे इसका सिनोनिम हो जाता है डिसलाइक. ओके, एंटीपति का सिनोनिम हो गया डिसलाइक. ओके, सो यहाँ पे चलो देखते हैं हम आगे वाला. ड्यूबियस, ड्यूबियस का मतलब क्या हो गया? नॉट टू बी रिलीड अपॉन. क्या है? नॉट टू बी रिलीड अपॉन. इसका और एक मतलब है सस्पेक्ट. ओके, सो यहाँ पे इसका सिनोनिम क्या हो जाता है? डाउटफुल. क्या है? डाउटफुल. ओके, समझ में आ गया ना सारे लोगों को? आप सारे लोगों को नोट करना है, मैं इतना चिल्ला चिल्ला के बोल रही हूँ, नोट करो, क्योंकि अपनी हाथ से लिखी हुई चीज़ें आपको याद होती है जल्दी एंड आपको अच्छी नोट्स हो जाती है, एग्जामिनेशन में फटाफट रिवाइज करके जा सकते हो. समझ गए ना? एग्जाम से पहले, एक दिन पहले आप क्या बैठ के पूरे वीडियोस देखेंगे रिवाइज करने के लिए? ना, नहीं तो आपका पूरा बुक पढ़ लेते हैं. बोलो दोनों में कौन सा ईजी है? बुक पढ़ना ईजी है ना? हाँ कि नहीं? सो बुक में नोट डाउन करते हो तो अच्छा खासी नोट्स बन जाता है, उसमें आप एग्जाम के दो दिन पहले जो है अच्छे से रिवाइज करके जा सकते हो. सो यहाँ पे नेक्स्ट आ गया फ्लैबरगैस्टेड. सो यहाँ पे इसका मतलब हो जाता है सरप्राइज समवन ग्रेटली और अस्टॉनिश. सरप्राइज या अस्टॉनिश दोनों ही सेम वर्ड्स होते हैं. सो यहाँ पे इसका सिनोनिम क्या हो गया? डंबफाउंडेड. क्या है? डंबफाउंडेड. ओके, सो यहाँ पे चलो देखते हैं हम आगे वाला. सो यहाँ पे इटर्नल, इटर्नल का मतलब पता है ना सारे लोगों को? लास्टिंग और एग्जिस्टिंग फॉर एवर. ओके, सो यहाँ पे पता है ना बहुत जगह देख चुके हैं इटर्नल लव, ऐसा कुछ देख चुके हैं हम. सो यहाँ पे इसका सिनोनिम हो जाता है परपेचुअल. ओके, समझ में आ रहा है ना? सो चलो देखते हैं हम आगे वाला. सो यहाँ पे जेन्युइन, ये हमने कल ही पढ़ लिया है, फिर से रिपीट हो गया, कोई बात नहीं. जेन्युइन का मतलब है ट्रूली व्हाट समथिंग इज सेड टू बी. सो यहाँ पे इसका सिनोनिम हो गया ऑथेंटिक. राइट, सो ऑथेंटिक हो गया इसका मतलब सिनोनिम. ओके, जेन्युइन सो सारे लोगों को पता है ना. सो यहाँ पे चलो देखते हैं ऑब्सीन. सो यहाँ पे ऑफेंसिव और डिसगस्टिंग बाय एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स ऑफ मोरालिटी एंड डिसेंसी. सो यहाँ पे इसका मतलब क्या है? ऑफेंसिव और डिसगस्टिंग बाय एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स ऑफ मोरालिटी एंड डिसेंसी. ओके, सो यहाँ पे इसका सिनोनिम हो जाता है इनडिसेंट. ओके, ऑब्सीन का मतलब हो गया ये. ओके, राइट एवरीवन, समझ में आ गया ना सारे लोगों को? सो नोट डाउन करते हुए चलना, पॉज करो, नोट डाउन करो, साथ साथ पढ़ते हुए. सो यहाँ पे चलो देखते हैं हम आगे वाला. सो यहाँ पे अकाउंटमेंट, अकाउंटमेंट का मतलब क्या हो गया? एन एडिशनल आइटम ऑफ ड्रेस और इक्विपमेंट. क्या है? एंड एक अलग से कुछ और चीज़ें ड्रेस या इक्विपमेंट में. सो यहाँ पे इसका सिनोनिम हो गया इक्विपमेंट्स. ओके, राइट एवरीवन, समझ में आ गया ना?
सो यहाँ पे लिखते हुए चलना मेरे साथ पढ़ते हुए, ओके पॉज कर लो एक बार लिख लो, देन अगेन वीडियो को देखते जाओ, ओके सो यहाँ पे वरासिटी, वरासिटी का मतलब कन्फॉर्मिटी टू फैक्ट्स और एक्यूरेसी, ओके क्या है वरासिटी का मतलब हो गया कन्फॉर्मिटी टू फैक्ट्स और एक्यूरेसी, राइट सो यहाँ पे इसका सिनोनिम हो जाता है ट्रूथ, ओके क्या है इसका सिनोनिम ट्रूथ है, ओके सो यहाँ पे आगे वाला देखते हैं इन सलैंटली, ओके सो यहाँ पे इन सलैंटली का मतलब क्या हो गया विदाउट इंटरप्शन और कॉन्स्टेंटली, क्या है विदाउट इंटरप्शन और कॉन्स्टेंटली, सो यहाँ पे कंटिन्यूसली हो गया इसका सिनोनिम, ओके सिनोनिम क्या हो गया इसका कंटिन्यूसली, ओके सो यहाँ पे आपको भी कंटिन्यूसली पढ़ाई बनाई रखनी है, समझ रहे हो ना, सो यहाँ पे हेराल्डेड का मतलब क्या हो गया बी ए साइन दैट समथिंग इज अबाउट टू हैपन, यानी कुछ होने वाला है इसका साइन है, सो यहाँ पे क्लैप्ड हो जाता है इसका मतलब एंड इसका सिनोनिम भी हो जाता है क्लैप्ड, ओके सो यहाँ पे चलो देखते हैं हम आगे वाला, क्या है ये डेट्रीमेंटल, ओके सो यहाँ पे इसका मतलब क्या हो गया टेंडिंग टू कॉज हार्म, यानी कॉज पहुँचा सकता है, राइट सो यहाँ पे इसका सिनोनिम हो गया क्या हार्मफुल, क्या है हार्मफुल, ओके सो यहाँ पे चलो देखते हैं हम आगे वाला, सो यहाँ पे कोलोसल का मतलब क्या हो गया एक्सट्रीमली लार्ज और ग्रेट, क्या है बहुत ही ज़्यादा बड़ा है नहीं तो ग्रेट है, सो इसका सिनोनिम हो जाता है गिगांटिक, ओके राइट एवरीवन समझ में आ गया ना, सो चलो देखते हैं हम आगे वाला, सो यहाँ पे स्टबर्न, स्टबर्न का मतलब सारे लोगों को पता है डिफ़िकल्ट टू मूव रिमूव और क्योर, ओके यानी डिफ़िकल्ट है मूव करने के लिए रिमूव और क्योर, हम बच्चों के लिए भी बोलते हैं जब वो बात नहीं सुनते हैं कि ये बहुत ज़्यादा स्टर्बन है, सो यहाँ पे इसका सिनोनिम एडामेंट हो गया, ओके सो यहाँ पे समझ में आ गया ना, सो चलो देखते हैं हम आगे वाला, इनवारिया इनवेरिएबल, ओके सो यहाँ पे इसका मतलब नेवर चेंजिंग यानी कभी भी ये जो है बदलता नहीं है, ओके सो यहाँ पे इसका सिनोनिम हो गया कॉन्स्टेंट, ओके बदलता नहीं है, ओके नेवर चेंजिंग, ओके इनवेरिएबल, ओके सो यहाँ पे चलो देखते हैं हम आगे वाला, इंडिसमेंट, इंडिसमेंट का मतलब क्या हो गया फॉर्मल चेंज और एक्यूशन ऑफ अ सीरियस क्राइम, क्या है अ फॉर्मल चार्ज और एक्यूजेशन ऑफ अ सीरियस क्राइम, ओके समझ में आ गया ना, सो यहाँ पे इसका सिनोनिम हो जाता है एक्यूजेशन, ओके राइट एवरीवन समझ में आ रहा है ना, तो चलो देखते हैं हम आगे वाला, सो यहाँ पे ड्यूलसेट, ड्यूलसेट का मतलब स्वीट एंड सूथनिंग, सो यहाँ पे स्वीट एंड सूथनिंग है इसका मतलब एंड यहाँ पे इसका सिनोनिम हो गया स्वीट, ओके राइट एवरीवन सो चलो देखते हैं आगे वाला, सो यहाँ पे इसको पढ़ो एक बार, सो यहाँ पे देखो ऑपोजिट है, ऑपोजिट का मतलब क्या हो गया अप्रोप्रिएट इन द सर्कमस्टेंस और इन रिलेशन टू समथिंग, ओके अप्रोप्रिएट हो गया इसका मतलब अपोजाइट, सो यहाँ पे कौन आ गया अ फीलिंग एंड एक्सप्रेशन ऑफ कंटेंप्ट ऑफ डिसगेन फॉर समथिंग और समवन, ओके सो यहाँ पे इसका सिनोनिम क्या हो गया कंटेंप्ट, ओके सो यहाँ पे पढ़ो एक बार फीलिंग एंड एक्सप्रेशन ऑफ कंटेंप्ट और डिसगेन फॉर समथिंग और समवन, ओके सो यहाँ पे स्कॉन का सिनोनिम हो गया कंटेंप्ट, ओके राइट एवरीवन समझ में आ रहा है ना, सो यहाँ पे हमारा लास्ट वर्ड देख लेते हैं, लास्ट वर्ड आ गया एम्बिशियस, सो यहाँ पे शोइंग अ लैक ऑफ रेस्पेक्ट फॉर गॉड एंड रिलीजन, यानी लैक ऑफ इंटरेस्ट एंड रेस्पेक्ट टू गॉड एंड रिलीजन, ओके इसका मतलब हो गया, सो यहाँ पे इसका एम्बिशियस का सिनोनिम हो गया वरंट, ओके इरवरंट, ओके समझ में आ गया ना सारे लोगों को, सो हमने जो है आज 31 सिनोनिम्स जो है पढ़ लिया है, सो होप आपको समझ में आ गया हो, सो आप अपने नोटबुक में लिखते हुए चलिए ताकि आपको दो दिन पहले, एग्ज़ाम के दो दिन पहले ये सारे वीडियोस नहीं देखना पड़े, आपका टाइम वेस्ट हो सकता है, अभी आपके पास बहुत टाइम है तो लिख लो, आपको बहुत ही जल्दी जो है रिवाइज करते हो एंड आपकी हाथ की हुई लिखी हुई चीज़ें ना बहुत जल्दी याद कर सकते हो, एंड आप क्या करते हो डेली सुबह उठ के रिवाइज करो ये सारे के सारे दिन ही याद होते, एग्ज़ाम में आने की बहुत ज़्यादा चांस है, तो मेरी बात मानो पढ़ लो, ओके सो विद दिस आई रैप अप, अगर आपको मेरी ये सेशन पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।